47 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान गोल्ड के जिशान अहमद ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। लाहौर में टोयोटा और टेक्निकल वोकेशनल इंटरप्राइज ट्रेनिंग सेक्टर सपोर्ट प्रोग्राम के दरमियान शराकत दारी का मुआहदा तय पा गया। इस प्रोग्राम का मकसद वतन वापस आने वाले पाकिस्तानियों के लिए कारोबार के मुनासिब मौके तक रसाई फराहम करना है। लाहौर के मकामी होटल में टेक्निकल वोकेशनल इंटरप्राइज ट्रेनिंग प्रोग्राम की जानिब से पाकिस्तान वापस आने वाले अफराद की बहाली के मंसूबे का बाजाबता आगाज किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए टेफ्टा के चेयरपर्सन अली सलमान सदीकी का कहना था कि वतन वापस आने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए नए आगाज के मौके फराहम करना अहम जिम्मेदारी है। पंजाब कॉन्ट्रीब्यूट टू द मोस्ट पाकिस्तान इकॉनमी इन टर्म्स ऑफ लेबर फोर्स एंड सप्लाइज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल टू ओवरसीज जॉब्स। I feel proud today to be a part of this new initiative and I must appreciate the efforts of the Tibet Sector Support Program GIZ Pakistan in introducing this new way of helping the returners. हेड ऑफ टेबिट सेक्टर स्पोर्ट प्रोग्राम आयरिस कार्डेला का कहना था कि ये शराकत दारी पाकिस्तान की समाजी और इक्तसादी तरक्की में एक अहम कदम है। वापस आने वाले ओवरसीज को इससे बहुत फायदा पहुँचेगा। We help them to find to start again here in the country through vocational training, through career coaching, through entrepreneurship training, through toolkits and other support measures. Because we think it's very important to help them integrate back in society, and this is part of the vocational work that we are doing anyway together with our partners NAFTEC and TEFTAS in the provinces. इस प्रोग्राम से मुंसलिक यूरोप और गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल ममालिक के 15,000 अफराद को कैरियर एंटरप्रेन्योरशिप एडवाइजरी सर्विसेज और ट्रेनिंग एंड असेसमेंट समेत दीगर शोबों में मुआवनत फराहम की जाएगी। और हम यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक।